हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास टेंथ का फिक्शन मिसेस पेकेटाइट्स टाइगर ये पढ़ने जा रहे हैं। मिसेस पेकेटाइट्स टाइगर बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा फनी भी है कि बेसिकली शो ऑफ करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं मिसेस पेकेटाइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस पेकेटाइट को इस बात का शौक था और उनकी ये इच्छा भी थी कि वो एक टाइगर का शिकार करे। इसका रीजन ये नहीं था कि वो शिकार करने की बहुत इच्छा उनमें अचानक आ गई थी, या ये कि वो महसूस करती थी कि जब वो इंडिया छोड़कर जाएगी तो ये कंट्री पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टिव और होलसम यानी हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा एक टाइगर को मारे जाने के बाद हर 10 लाख लोगों के सामने जंगली जानवरों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। यानी कि वो ये समझती थी कि जब वो एक टाइगर का शिकार कर लेगी तो बहुत सारे लोग सेफ हो जाएंगे। तो निमरोद नाम के एक पुराने शिकारी के फुट स्टेप्स पर चलने की उनकी बहुत इच्छा का कारण ये भी था कि लूना बिम्बर्टन, उनकी पड़ोसन का नाम है लूना बिम्बर्टन, को एक अल्जेरियाई एविएटर यानी कि प्लेन ने, छोटा सा प्लेन होता है, एविएटर ने अपने साथ बिठाकर 11 माइल की एक सैर करवाई थी और लूना बिम्बर्टन इसके बारे में डींगे मारती रहती थी। इसकी इन बातों को फीका करने के लिए या उसे छोटा दिखाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता था कि मिसेस पेकेटाइट खुद एक टाइगर का शिकार करके उसे दिखाए और प्रेस फोटोग्राफ्स में उसके बहुत सारे फोटोज छापे जाए। मिसेस पेकेटाइट ने अपने मन में ही पहले ही यह प्लान बना रखा था कि वो कर्जन स्ट्रीट में आए हुए अपने बंगले पर एक लंच पार्टी देगी, मतलब टाइगर को मारने के बाद ये दिखाने के लिए। तो पार्टी लूना बिम्बर्टन के सम्मान में होगी, लेकिन वो सबसे आगे वाली जगह पर यानी कि जब वो पार्टी में आएगी लूना बिम्बर्टन, तो वो टाइगर की खाल वाले कारपेट का वो प्रदर्शन करेगी और पूरी स्टोरी उसी के बारे में होगी। उन्होंने अपने मन में ये भी प्लान बना रखा था कि वो लूना बिम्बर्टन की नेक्स्ट बर्थडे पर उसे टाइगर के पंजे से बना हुआ एक ब्रॉच गिफ्ट में देगी। इस दुनिया में वैसे तो सभी बातें भूख और प्यार से होती है, लेकिन मिसेस पेकेटाइट एक एक्सेप्शन थी यानी कि एक रेयर केस था। उसकी सारी फीलिंग्स और मूवमेंट्स लूना बिम्बर्टन के लिए नफरत से शुरू होती थी। सर्कमटेंसेस यानी कि सिचुएशन, परिस्थितियां बिल्कुल फेवरेबल थी। मिसेस पेकेटाइट ने 1,000 रुपये देने की ऑफर दिया अगर उसे किसी ज्यादा रिस्क या मेहनत के बिना ही एक टाइगर को शूट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो। और ऐसा ही हुआ कि पड़ोस में आए हुए एक गांव के लोगों को एक ऐसे टाइगर के साथ सामना हो गया जिसका पास्ट बहुत अच्छा था। इस टाइगर को उसकी बुढ़ापे के कारण बढ़ती हुई कमजोरी ने विवश करके रखा था कि वो वाइल्ड एनिमल का शिकार करना बंद कर दे और छोटे छोटे डोमेस्टिक एनिमल्स को मारकर ही अपनी भूख मिटाए। 1,000 रुपये के अट्रैक्शन में गांव वालों के मन में पैसे कमाने और शिकार करने की इच्छा तो जगा दी थी। उन्होंने लोकल जंगल की बॉर्डर पर रात दिन बच्चों को खड़ा कर दिया ताकि किसी भी कारण से टाइगर का शिकार करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करे तो उसे घेर कर वापस ले लिया जाए। सस्ती सी बकरियां, बहुत ही चीपर बकरियां जानबूझकर लापरवाही से इधर उधर छोड़ दी जाती थी ताकि टाइगर अपनी जगह से सेटिस्फाइड रहे, यानी कि उसे लगे कि यहीं पे मुझे शिकार मिल रहा है। एक बड़ी चिंता ये थी कि कहीं मिसेस पेकेटाइट द्वारा शिकार करने से पहले ही टाइगर ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा के कारण मर ना जाए। खेतों में दिन भर काम करने के बाद जंगल में से होकर घर लौटती हुई और बच्चों को उठाए हुए सभी मदर्स यानी कि माँ अपने गीतों की आवाजों को दबा लेती ताकि वो
हर्ड रॉबर्स यानी कि भेड़ बकरियों को लूटने वाले यानी टाइगर्स की रेस्टफुल स्लीप में कोई भी डिस्टर्ब ना करे। चांद की रोशनी में चमकती हुई और आकाश में बिना किसी बादल वाली वो ग्रेट नाइट आ गई थी। एक कंफर्टेबल और सुरक्षित जगह पर खड़े हुए पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया था और उसके ऊपर मिसेस पेकलटाइड और उसके किराए की साथी यानी कि कंपेनियन मिस मेबिन बैठ गई। एक बकरी जिसे लगातार आवाज करने की आदत थी और जिसके मिमियाने यानी कि आवाज करने के मिमियाने को उस साइलेंट नाइट के दौरान एक आधा बहरा टाइगर भी सुन सकता था, जरूरी डिस्टेंस पर बांध दी गई थी। ठीक निशाने वाली एक राइफल और खेलने के लिए एक छोटी सी ताश लिए वो शिकारिन यानी कि मिसेस पेकलटाइट शिकार का वेट करते हुए बैठ गई थी। मुझे लग रहा है हम थोड़ी डेंजर की सिचुएशन में हैं, मिस मेबिन ने यह कहा। हकीकत में उसे उस जंगली जानवर के बारे में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का बहुत डर था कि कहीं वो मिली हुई पेमेंट की कंपैरिजन में मिसेस टेक पेकलटाइट की कहीं ज्यादा मदद ना कर दे। यानी कि मिस मेबिन को यह डर था कि जो पैसे मिले हैं उसे मिसेस पेकलटाइट की मदद करने के लिए उससे कहीं ज्यादा वो उसकी हेल्प ना कर दे। नॉनसेंस, मिसेस पेकलटाइट इज वेरी ओल्ड टाइगर, बहुत बूढ़ा बाघ है ये। अगर वो चाहे तो भी छलांग लगाकर हम तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये एक बूढ़ा टाइगर है तो मेरे ख्याल से आपको ये कम पैसों में मिल जाना चाहिए था। 1,000 रुपये तो बहुत सारे पैसे होते हैं ना। पैसों के मामले में लुइसा मेबिन, उसका पूरा नाम है लुइसा मेबिन, कॉमनली बड़ी बहन जैसा ही व्यू अपना लिया करती थी। यानी ये ऐसे किसी कंट्री की हो या इसकी कोई भी वैल्यू हो, उसके जोरदार दखल अंदाजी के कारण कई एक रूबल यानी कि मास्को के होटल में टिप के रूप में जाने से बच गए थे और फ्रेंको और पेंसो के सिक्के उसके पास सुरक्षित चिपके रहते थे। जब भी किसी कम सिक्योर हैंड्स में से वो लुढ़क कर चले गए होते थे, यानी वो छोटे छोटे से सिक्के को भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। टाइगर के पार्ट्स की मार्केट वैल्यू कम होने की बात बीच में ही रह गई। जब टाइगर वहां आ पहुंचा और जो उसने रस्सी से बंधी हुई बकरी को देखा, वो जमीन पर चपटा लेट गया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो अपने आप को छिपाने की किसी जगह का फायदा उठा सके, लेकिन इसलिए ताकि वो अपना ग्रैंड अटैक शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करने का टाइम निकाल सके।